अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक नई काबीना की तश्कील में वजीर आजम की मर्जी बहुत कम चलेगी। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, आए हाय 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 हाय, पहली खबर ही मेरे मुर्शद की आई है और देखो कितनी ढीली खबर आई है यार। मुर्शद मेरे की मर्जी नहीं चलेगी जी कबीना बढ़ाने में, बहुत कम चलेगी यार। ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुर्शद को कॉर्नर तो नहीं कर रहे? बेख्तियार होते जा रहे हैं तुम्हारे मुर्शद पाक। ये ना हो खीर मेरा मुर्शद खान साहब मेरे को कहे कि यार करेलों में चिकन ना डालना मटन डालना, आगे से खान साहब मैं कह दे भाई जी जो जरदारी साहब कहेंगे मैं वो डालूंगा। जरदारी साहब ऑर्डर कर दे हांडी में पसूड़ी डाल दे, खान साहब बेचारा दुकानों पर खजल होता रहे पसूड़ी कहां से मिलेगी। भाई जी आपके पास पसूड़ी है? दुकानदार आगे से गए भाई जी वो तो मौलाना फजल रहमान ले गए स्यापा पड़ा हुआ है। खान साहब उधर से ही जरदारी साहब को फोन करे सर पसूड़ी खत्म हो गई हुई है स्यापा पड़ा हुआ है जी। जरदारी साहब कहे फटाफट सारा खरीद लो कहीं नवाज शरीफ ना ले जाए। शहजादा विलियम शादी पर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये चार्ल्स का पुत्र जी, बड़ा ही यार ये चार्ल्स का पुत्र। ये वैसे बच्चे भी अपने अब्बे की तरह बौंगे बौंगे ही हैं। वो देखो शादी वाले दिन में फौजी वर्दी पहन रहा है, टैंकों पे इसकी जानी जानी है मेरा ख्याल। बाजियों वाले दुनाली बंदूकें में जा रहे होंगे, बड़े ताए इसके ने तोप में पाउंडों का पान भर के चलाना है। लुट लो बच्चे हो, किसी बच्चे की पुटपुटी पे फायर हो गया उस बेचारे ने तेली बाद की भी होश हो जाना। मेरा ख्याल है लड़की वालों का घर बॉर्डर पे है इसलिए ये वर्दी पहन के जाना चाहता है। हाँ हाँ इसलिए देखना मसहरी भी मोर्चे में लगवानी है। उसके बाद मलका ने पीछे से एक्शन करने इसने मोर्चे में छलांग कट मार दी। कौन इसने हाथ से नहीं उठाना, पिस्तौल पकड़ के कहेगा कौन साहब व्या पे इसने फौजी वर्दी पहनी है ना मलीमे वाले दिन फिर कैदी की वर्दी पहन के फिर रहा। ऐसे नहीं कहते जी साहब। हाँ ब्याह के बाद बंदा कैदी हो जाता है बेचारा। अच्छा जी अगली खबर है बिजली बहरान। नेपाली न्यूज कास्टर्स ने लाल टेन की रोशनी में खबरें पढ़ी है। नेपाल में जी उधर भी राजा परवेज अशरफ है। वो देखो यार लाल टेन में खबरें पढ़ रहे हैं टीवी के ऊपर है। अल्लाह का शुक्र करो इधर बलम जला के बैठे हुए हो। यहाँ राजा परवेज अशरफ है ना उधर मेरा ख्याल है महाराजा परवेज अशरफ। डरो उस वक्त से खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी ये वक्त आने वाला है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे अगर प्रोग्राम के दौरान बत्ती चली गई तू तू मैं करते हुए तो मैंने तुम्हें हनेरे में फ्लाइंग के कट मार दिया। प्रोड्यूसर ने कहना भाई जी बोलो तो सही और मैंने तुम्हें इधर लमिया पाके तुम्हारे मुंह पे बैठे होना। मैंने कहा था ना भाई जी इधर ही अब सारा प्रोग्राम होगा बस छोड़ दो। तो यार वैसे क्या क्या तमाशा होगा अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो। उसामा खबरें पढ़ रहा होगा कहा राजा परवेज अशरफ ने कि निकाल के रहूंगा इस मुल्क को अंधेरों से बत्ती चली गई है। डॉक्टर मोइन साहब टॉर्च रख के प्रोग्राम कर रहे होंगे। नाज़रीन आज प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मेरा साथ देंगे शेख रशीद साहब, डॉक्टर फरदौस शेखवान साहब। चीचा वतनी में गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में असातिज़ा की शदीद कमी। तदरीस के फराइज एमए पास ड्राइवर और आया अंजाम दे रहे हैं। मेरी पोस्टिंग जो है वो एज ए आया है लेकिन ये कि एक तो तालीम है मेरी काबिलियत है उसकी वजह से बी सर ने मुझे दो क्लासेस दी हुई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से पढ़ा रही हूँ। हेलो वही बात मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। हाय 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 वो बेचारा क्या पढ़ाता होगा जी ड्राइवर। चलो मेरा बेटा चौथे गियर में गिनती सुनाओ, चलो अब 100 से बैक गियर में वापस एक पे आओ, चलो शाबाश। चलो अब क्लच से पैर उठा के अलहबे सुनाओ मेरा पुत्र सारा, चलो शाबाश। डबल ए डबल ए, ब्रेक ना लगे ब्रेक ना लगे, चलो शाबाश। चलो मेरा पुत्र अब हिस्ट्री का पीरियड है, बैक मिरर से देख के मेरे सवालों के जवाब दो। बैक मिरर में जरूर देखना वरना गलती हो जाती है। चलो बेटा अब आधी छुट्टी हो गई है, सारे बच्चे बाहर चले जाए, मैं जरा क्लास रूम का तेल पानी चेक कर लू। अजीज साहब ये दोनों एमए एजुकेशन है। हाँ तो लगाया तो उनका ड्राइवर और आया हुआ है ना, उसने तो गुस्से में बेचारे ने इसी तरह की तालीम देनी है। एमए एजुकेशन किया हुआ है बस बेचारों के पास नहीं थी सिफारिश इसलिए एक आया लगी हुई है और एक ड्राइवर लगा हुआ है।
जनाब खादमे आला साहब हजूर, ये जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं ना जनाब, इनमें भी बड़ी दानशाही हजूर, इनकी तरफ भी तवज्जो दें जनाब। ये गूंगे बहरे जरूर हैं मगर हजूर इनकी जुबान नहीं बोलती, इनकी आंखें और दिल बोलता है। खुदा के वास्ते उस सेक्रेटरी साहब को कमरे से निकालें जो इनके डिपार्टमेंट का है, जो एसी या हीटर वाले कमरे में बैठा होता है, और उसे लेके जाएं जरा इस स्कूल में जहां 5 साल हो गए हैं आया और ड्राइवर पढ़ा रहे हैं। आए हाय हाय हाय। अतीक झूठा है, किसी की बीवी हूँ ना निकाह किया, हर तारीख पर अदालत पहुंचती हूँ, अतीक खुद आता है ना उसका वकील। अदाकारा मीरा का बयान। मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, हर तारीख पे मैं खुद जाती हूँ, टूट पहना आते ही नहीं है। उसी ने कहा था ना मैंने निकाह किया हुआ है, तो फिर आए आए आगे जज को दिखाए वो जो उसने वो जो एक कागज सा लिए फिरता है, मैं तो उसे निकाह नामा भी नहीं कहूंगी। अच्छा, पर आपकी तो तस्वीर भी है उसके साथ। नहीं तो तस्वीरों का क्या है, आई एम कम्प्लीटली शेकन, यू नो। तस्वीर तो आप कोई भी कोई उठा के दूसरी तस्वीर से जोड़ लेता है, कंप्यूटर का दौर है। किसका? कंप्यूटर का। अब वैसे भी ये देखना आप, फिल्में भी मैं करती हूँ उसमें भी सीन होते हैं। हाँ। तो इस तरह तो कई बंदे इस तरह की तस्वीरें ला सकते हैं जिनकी मैंने फिल्म की हुई 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 मर गई। बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, बहुत डिस्टर्ब हूँ। देखो ना मैं अदालतों में खज्जल हो रही हूँ, पता नहीं कितने सेवा करांदा फिर। अब कचहरी में औरतों का जाना अजीब सा लगता है ना, निकाब पहन के मैंने जाना होता है। आफ्टर ऑल मैं एक नॉन पर्सनैलिटी हूँ, लोग पहचान लेते हैं। मैंने बुर्का पहन के निकाब पहना हुआ था, एक बंदे ने आके मुझे कह दिया कि खैर तरीकते आई है बस जेब कटी हूँ। अब क्या बंदा बताए कि इस पर्दे के पीछे कौन है। हाँ। एक नॉन मीरा। आम आदमी का भी हिस्ट्री पे जाना कोई मामूली बात नहीं होती। किस पे जाना? हिस्ट्री पे, आई मीन तारीख पे जाना। मोहतरमा तारीख को डेट कहते हैं। शट अप। डेट खजूर को कहती है। मैंने अंग्रेजी पढ़ाऊ ना। अब मीडिया तीख से ये भी नहीं पूछता कि अगर वो उसने ये केस किया तो फिर हिस्ट्री पे आए ना। ताकि मिल्क और वाटर का वाटर हो। जज साहब भी हर दफा तारीख दे देते हैं, उसके खिलाफ फैसला ही नहीं कर रहे। शरीफ जिया बंदा जज लगा या ना, उन्हें मेरी कोई फिल्म देखी। मैं तो इसे प्रोड्यूसर समझ के इसे रोल लेने गई थी, इसने मुझे रोल ही दिया। ना मेरा ध्यान शूटिंग की तरफ जा रहा है ना काम की तरफ, रोल दिया इस बंदे ने मुझे, इसको अल्लाह ही पूछे, इसने मेरी डेली पे लात मारी। डेली रोजी डेली। नाज़रीन आप देख रहे थे हस्बे हाल, खुश रहे खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। कच्चू को मजिया मेरे पीछे पे आ गया।